वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की बहुत ही फेमस रेसिपी पाव भाजी। उसके लिए मैंने लिया है फ्लावर, पीस, एक ग्रीन पीज है फ्रेश, और एक बड़े साइज का शिमला मिर्च, टमाटर और बॉयल्ड आलू। तो कुछ सब्जियों को हम बॉयल करने को रखेंगे। एक कुकर में शिमला मिर्च और ग्रीन पी और फ्लावर बॉयल होने को रख देंगे। इसमें डालेंगे एक से डेढ़ कटोरी पानी और इसको बॉयल होने को रख देंगे। अभी मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है और इसको दो सीटी दिलाएंगे। जब तक हमारी सब्जियां बॉयल हो रही हैं तब तक हम उसका मसाला तैयार करते हैं। इसमें डालेंगे एक से दो टेबल स्पून ऑयल। अभी तेल गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज का प्याज, बारीक कटा हुआ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अभी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो उसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक भी भून चुका है तो अभी डाल देंगे टमाटर। ये दो बड़े साइज का टमाटर मैंने लिया है, इसको पेस्ट कर लिया है। अभी मैंने सब्जियों को दो सीटी लगाया है, अभी देखती हूँ सब्जियाँ बॉयल हो चुकी हैं। अभी हम इनको निकाल करके पानी से और इनको मैश करेंगे। अभी मैंने सब्जियों को पानी से निकाल लिया है और इसको एक पाव भाजी मैसर की मदद से मैश कर लेंगे और इसके पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी भी यूज़ कर लेंगे हम। बहुत ही अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। अभी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं और इधर मैंने आलू भी मैश कर लिया है अच्छे से। मिक्स कर देंगे बस। अभी हमारा कांदा टमाटर दोनों भी भून चुका है तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें जो सब्जियां मैश करके रखी थी। अभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जियों को बिना बॉयल किए भी पकाने के बाद पाव भाजी मैसर से मैश कर सकते हैं। अभी हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और डालेंगे दो बड़े चम्मच जितना पाव भाजी मसाला और थोड़ा कलर लाने के लिए डालेंगे हाफ टी स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना पाव भाजी खाने तो वहाँ पे वो लोग फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम डाल देंगे पानी, जिस पानी में सब्जियां बॉयल की थी ना बस वही पानी, और इसको अभी हम अच्छे से
अभी हमारी पाव भाजी तैयार है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और एक चम्मच बटर और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनाया है ये पाव भाजी और अभी ये रेडी है। अभी हम गैस को करते बंद और सर्व करेंगे पाव के साथ। अभी हम पाव को भी सेक लेंगे थोड़ा बटर डाल के। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी और पाव को सेक लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी। गैस को करेंगे तो तैयार है अभी हमारी पाव भाजी और इसको पाव के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया, बटर, बटर के बिना तो ये अधूरा है। और थोड़ी सी कटी हुई प्याज और नींबू के साथ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।